आज मैं आप सभी को ऐसे एक जानकारी के बारे में बताएंगे जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। वो है कि NCTE अप्रूवल कॉपी हम कैसे डाउनलोड करेंगे। बात ये भी सही है कि NCTE अप्रूवल कॉपी आप अपना कॉलेज से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वजह से उस कॉपी को कलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने किसी कॉलेज में भर्ती लेना चाहते हैं और डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो उसे भी ज़रूरी है कि वही इंस्टीट्यूट NCTE द्वारा अप्रूवल है या नहीं उसे जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरे में अगर किसी शख्स ने कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या तो इंटरव्यू में जाना चाहते हैं किसी सर्विस के वजह से तो उनके पास भी यही NCTE अप्रूवल लेटर या कॉपी उसे रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं इस अप्रूवल कॉपी को कैसे डाउनलोड करना है वो देख लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाए रखें ताकि आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। अब चलिए आपको अपना हम मोबाइल की स्क्रीन में ले आते हैं और आने के बाद आपको किसी भी एक ब्राउज़र में आना पड़ेगा। जैसे हम आते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र में। ओके, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च बार में आकर लिखना पड़ेगा NCTE.gov.in। ओके, तो इससे पहले हम आपको बता दें इस ब्राउज़र को आपको डेस्कटॉप मोड में रख दें। और आने के बाद आपको सबसे पहले जो वेबसाइट देख रहा है इस वेबसाइट में आकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, NCTE.gov.in में। और आने के बाद आपके पास ऐसे एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेस आने के बाद आपको जो 3 डॉट दिख रहा है इस 3 डॉट में आकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, इसमें। ठीक है, अब इस 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा जहां पर आपको देखने दिख रहा है कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, इसमें आकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप जिस इंस्टीट्यूट के बारे में NCTE अप्रूवल कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं वो कौन सा जोन में है इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम अपना जोन ईस्टर्न रीजन कमिटी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अपना जो स्टेट है उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम वेस्ट बंगाल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइन, अब आपको जो इंटरफेस दिखेगा इसमें आपको 2 तरह का सर्च में, जैसे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और सबसे पहले है फिल्टर बाय डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्ट कोर्स, इससे आपको पता चल जाएगा। तो हम अपना इंस्टीट्यूट नाम ना लिख कर अपना सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं। जैसे अपना हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया हूँ और फिर अपना जो कोर्स है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ BPED। ओके, देन मैं सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद जितना इंस्टीट्यूट है BPED इंस्टीट्यूट वो आपको इसमें दिखेगा। ठीक है, आपको सभी तरह का जितना इंस्टीट्यूट है सबको नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे। और उसके बाद आप जैसल साइड में आ जाइए। देखिए, इस जगह पे आपको डाउनलोड करने के लिए PDF दिखा रहा है। ओके, और जैसे हम अपना जो कॉलेज है उसको देखता हूँ कि जैसे पांसकुड़ा बोनामाली कॉलेज, मैं इसका एक PDF डाउनलोड कर लेता हूँ NCTE अप्रूवल कॉपी का। ठीक है, तो मैं उसे स्क्रॉल करके साइड कर लेता हूँ और डाउनलोड में आकर क्लिक। डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको डाउनलोड हो गया। आने के बाद किसी भी एक ब्राउज़र से आप उसको ओपन करके चेक करके देख लेते हैं।
ओके फाइन। अब ये डाउनलोड हो चुका है, जैसे मुझे दिख रहा है कि ये हमारा कॉलेज का नाम है। ओके एक कॉलेज का नाम है, तो इसी तरह आप भी अपना कॉलेज का जो NCT अप्रूवल लेटर है उसे डाउनलोड करके अपना पास रख सकते हैं, और किसी भी तरह का आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो यहाँ पर अगर कोई ही आपको कहता है कि NCT अप्रूवल कॉपी है आपके पास है या नहीं, या अपना जो कॉलेज है वो NCT अप्रूवल से है या नहीं, तो आप इसको प्रूफ हिसाब से आप उसको दिखा सकते हैं। ओके थैंक यू।